नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया वरिष्ठ नेता हजारीलाल रघुवंशी के भोपाल स्थित निवास पहुंचे। दोनों शीर्ष नेताओं ने पार्टी को एकजुट कर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर चर्चा की। व्यापम मामले में महासचिव दिग्विजय सिंह का बचाव करते हुए सिंधिया ने कहा कि पार्टी के सभी नेता हमेशा उनके साथ हैं। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया वरिष्ठ नेता हजारीलाल रघुवंशी के निवास पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचे। विस्तृत चर्चा के दौरान हजारीलाल रघुवंशी ने उन्हें भाजपा सरकार सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए निर्देशित किया। कांग्रेस की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव की कमान किसे दी जाए, इस बात को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। वहीं हजारीलाल रघुवंशी ने इशारों ही इशारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान देने की वकालत की है। उनका मानना है कि युवा चेहरे को प्रदेश का नेतृत्व देने से अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। तो होना चाहिए, सबको होना चाहिए, कमलनाथ जी को भी होना चाहिए, सिंधिया जी को भी होना चाहिए और जितने तमाम जितने सारे लीडर हैं सबको एकजुट होकर के शिवराज सिंह से लड़ना पड़ेगा। अब हमको तो ऐसा है कि कांग्रेस का काम करते हुए मेरे को 70 साल हो गए, 47-48 से कांग्रेस का काम करता हूँ। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि पार्टी के किसी भी नेता के बीच मतभेद नहीं है और पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की कमान किसे दी जाए, इस मुद्दे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आला कमान जो भी निर्णय लेगा वो आखिरी निर्णय होगा। व्यापम मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के सबूतों को सीबीआई द्वारा फर्जी बताए जाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सिंधिया ने कहा कि व्यापम भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है, इस मामले में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश की सारी शीर्ष नेतृत्व एक साथ होकर एक मत होकर कार्य करते हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। कई बार पूर्व में ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि एकता का अभाव, लेकिन आज मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर एकता की सोच और विचारधारा के साथ हमारी पार्टी की शीर्ष नेतृत्व और आम कार्यकर्ता साथ में मिलकर करते हैं। लोग मठाधीश थे इस पूरे कांड के पीछे, वे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। मध्य प्रदेश में जहाँ भ्रष्टाचार का आलम चल रहा है, जहाँ गरीबों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, औद्योगिकरण का अभाव, बेरोजगारी पूरी तरह से निकल रही है, इस मध्य प्रदेश के नक्शे को हमें बदलना होगा, जिसका प्रण और संकल्प कांग्रेस। मध्य प्रदेश में 2018 के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कमान किसे सौंपी जाए, इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में पार्टी के कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रबल दावेदारों के तौर पर देखा जा रहा है। अंदरूनी तौर पर पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं के समर्थक चाहते हैं कि उनके नेता ही मध्य प्रदेश की कमान संभाले। हालांकि आला कमान दोनों नेताओं के बीच सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर रहा है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। और फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज आज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।